फ्रॉड केस में पुलिस ने जब्त की करीना की कार। पेपर्स पर मिला पिता रणधीर कपूर का नाम। जानिए क्या है ये पूरा मामला। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का नाम एक फ्रॉड केस के चलते सुर्खियों में है। दरअसल करीना के नाम पर रजिस्टर हुई एक पोर्श कार को फ्रॉड केस के आरोपी मॉनसन के पास से जब्त किया गया। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुछ पुरानी कीमती वस्तुओं को चुराने के आरोप में मॉनसन को गिरफ्तार किया था। उसी के पास ये लग्जरी कार मिली जो करीना कपूर खान के मुंबई के पति पर रजिस्टर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जब मॉनसन की संपत्ति की जांच की तब इसमें एक पोर्श कार भी जब्त की गई। ये कार अभी चेरथला पुलिस स्टेशन में है। इस कार के कागजात तलाशे गए तो पुलिस को इस पर करीना कपूर का नाम मिला। इतना ही नहीं, इसमें करीना कपूर के पिता का नाम भी रणधीर कपूर लिखा हुआ है और पता भी हिल रोड बांद्रा मुंबई का ही है। हालांकि अभी तक करीना कपूर और उनके परिवार की तरफ से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वेल, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइए। नीचे कमेंट्स कीजिए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।